नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीटीएस भाई बहन के ऊपर कॉम्बाइन ड्यूटी का प्रेशर अब और भी बढ़ने जा रहा है, तो आप सबने ये वाला नोटिस देखा ही होगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पर ये नोटिस अपलोड किया था और उधर से आप सबने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको फिर से ये वाला नोटिस उपलब्ध करा दूंगा। तो इधर पर जो मेन टॉपिक पर बात किया गया है वो है कि कब जीडीएस के जगह पर सब्स्टिट्यूट देना है, दूसरा है कब सब्स्टिट्यूट नहीं देना है और नहीं दे करके ड्यूटी को कॉम्बाइन करना है, यानी कि एक ही जीडीएस से दो काम करवाना है और उनको कॉम्बाइन ड्यूटी अलाउंस देना है, ठीक है। और तीसरा है कि जीडीएस अगर कोई छुट्टी लेता है या फिर जीडीएस का कोई भी पोस्ट अगर वैकेंट है तो उस वैकेंट पोस्ट में कैसे एमटीएस मेल गार्ड पोस्टमैन जो रिटायर्ड हो चुका है उनको कैसे काम में लगाना है। तो ये सारे चीज के ऊपर ही आज बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीडीएस में आप काम करते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जीडीएस में काम करते हुए कभी ना कभी आपको कॉम्बाइन ड्यूटी करना ही पड़ेगा। और आप तो छुट्टी लेंगे तो आपके जगह तब कौन काम करेगा, आपका सब्स्टिट्यूट, आपका जो एबीपीएम है वो करेगा कॉम्बाइन बेसिस पर, या फिर जो रिटायर्ड पोस्टमैन एमटीएस मेल गार्ड है वो करेगा। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप करें ए टू जेड पूरा देखें। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट में जो नोटिस इशू किया है उसमें तो यही दिख रहा है कि डिपार्टमेंट सब्स्टिट्यूट देने से बचना चाहता है, ठीक है, और डिपार्टमेंट कॉम्बाइन ड्यूटी से ही काम चलाना चाहता है, क्योंकि कॉम्बाइन ड्यूटी अगर दिया जाता है तो उसमें खर्चा भी कम है, और दूसरा तो है कि कॉम्बाइन ड्यूटी अगर दिया जाता है तो डिपार्टमेंट के जीडीएस ही काम करेगा, और सब्स्टिट्यूट अगर दिया जाता है तो बाहरी यानी कि आउटसाइडर काम करेगा। तो डिपार्टमेंट यही सारे पॉइंट को देखते हुए सब्स्टिट्यूट देने के तुलना में कॉम्बाइन ड्यूटी देना अधिक प्रेफर कर रहा है। तो इससे जीडीएस भाई बहन को क्या लॉस होगा तो ये सब कुछ वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, 1 जुलाई 2024 को नोटिस इशू हुआ है जीडीएस सेक्शन से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, और ऑल सीपीएमजीस को लिखा गया है। सब्जेक्ट देखिए, यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ रिटायर्ड पोस्टमैन मेलगार्ड एमटीएस एज सब्स्टिट्यूट और स्टॉप गैप अरेंजमेंट अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट ऑफ जीडीएस। तो जीडीएस के वैकेंट पोस्ट में सब्स्टिट्यूट के तौर पर रिटायर्ड पोस्टमैन मेलगार्ड और एमटीएस के सर्विस को यूटिलाइज करने के रिगार्डिंग नोटिस लिखा गया है। तो इधर पर आपको दो बात समझना पड़ेगा। तो एक है कि जीडीएस का जो वैकेंसी क्रिएट होता है वो दो तरीके का है, एक तो है शॉर्ट टर्म वैकेंसी, दूसरा है लॉन्ग टर्म वैकेंसी। दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शॉर्ट टर्म वैकेंसी किसको कहा जाता है कि अगर इधर पर देखिए 45 डे तक कोई अगर जीडीएस का पोस्ट वैकेंट रहता है उसको शॉर्ट टर्म वैकेंसी कहा जाता है, लेकिन अगर कोई जीडीएस का पोस्ट 45 डेज से ज्यादा वैकेंट रहता है तो वो लॉन्ग टर्म वैकेंसी हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म वैकेंसी क्या क्या होता है, मान ले आप बीपीएम है, आप 10 दिन के लिए छुट्टी ले रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म वैकेंसी के अंडर आएगा, क्योंकि 45 डेज का क्रॉस नहीं हो रहा है, 45 डेज के अंदर ही है, या फिर आप मेडिकल ग्राउंड पर कोई छुट्टी लेते हैं, ठीक है, तो लीव विदाउट अलाउंस अगर आप लेते हैं, पेड लीव नहीं लेते हैं, तो वो सारे जो वैकेंसी क्रिएट होता है वो होता है शॉर्ट टर्म वैकेंसी। लेकिन मान ले अगर कोई जीडीएस का पोस्ट में एक जीडीएस काम करता था उसका प्रमोशन हो गया है, ठीक है, या फिर किसी और पोस्ट में ट्रांसफर हो गया है तो क्या होता है, और नया रिक्रूटमेंट भी नहीं हुआ है, तो मान लीजिए एक जीडीएस पोस्ट बहुत दिनों से खाली ही पड़ा है, 45 डेज क्रॉस हो गया है और अभी भी वो वैकेंट पोस्ट वैकेंट ही है, उसमें नया रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रहा है, कोई ट्रांसफर लेके भी नहीं आ रहा है, जिसका उधर पर पोस्टिंग था उसका प्रमोशन हो चुका है, तो जो सारे वैकेंसी 45 डेज क्रॉस कर चुका है उसको लॉन्ग टर्म वैकेंसी कहा गया है। तो पहले तो जो शॉर्ट टर्म वैकेंसी है उसमें डिपार्टमेंट सब्स्टिट्यूट कभी भी नहीं देगा, ठीक है, इसको देखिए साफ साफ लिखा है, ए सब्स्टिट्यूट शुड नॉट बी एंगेज्ड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म वैकेंसी इन एनी जीडीएस पोस्ट इन रूटीन मैनर। साफ साफ कहा गया है कि शॉर्ट टर्म वैकेंसी अगर है तो सब्स्टिट्यूट कभी नहीं देगा। एज फार एज पॉसिबल वर्क मे बी मैनेज बाई कॉम्बाइनिंग ड्यूटीज, तो कॉम्बाइन ड्यूटी ही आपके ऊपर आएगा। मान लीजिए कोई बीपीएम है, बीपीएम 10 दिन का छुट्टी लेता है तो बीपीएम के जगह
एबीपीएम के द्वारा ही काम कराया जाएगा और एबीपीएम को कॉम्बाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट दिया जाता तो बीपीएम के जगह पर एक सब्स्टिट्यूट काम करता, वो उसका घर का आदमी भी हो सकता है या फिर कोई आउटसाइडर भी हो सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट अगर दिया जाता तो सब्स्टिट्यूट का पूरा सैलरी मिलता। तो बीपीएम अगर पेड लीव लेता है तो बीपीएम को भी सैलरी मिल रहा है, सब्स्टिट्यूट को भी सैलरी मिल रहा है। लेकिन यहीं पर अगर कॉम्बाइंड ड्यूटी दिया जाता है तो बीपीएम छुट्टी में चला गया, उसको तो पेड लीव मिला है, उसका पैसा मिलेगा, और उसी के साथ जो कॉम्बाइंड ड्यूटी कर रहा है उस ऑफिस का एबीपीएम, उसको सिर्फ कॉम्बाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा दोस्तों 1170 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो सब्स्टिट्यूट अगर अरेंज करना होता तो ज्यादा सैलरी देना पड़ता, लेकिन अगर कॉम्बाइंड ड्यूटी देना पड़ रहा है तो कॉम्बाइंड ड्यूटी अलाउंस कम है, कम पैसे से ही दोनों काम कराया जा रहा है। तो डिपार्टमेंट ने साफ साफ कहा, कह दिया है कि अगर कोई शॉर्ट टर्म वैकेंसी है, किसी का मेडिकल कंडीशन खराब हो गया, कोई इमरजेंसी लीव लिया है या फिर कोई पेड लीव लिया है, किसी भी तरह के लीव लिया है जिसके वजह से 45 डेज क्रॉस नहीं हो रहा है वैकेंसी, तो उस वक्त शॉर्ट टर्म वैकेंसी में कभी भी सब्स्टिट्यूट एंगेज नहीं किया जाएगा, कॉम्बाइंड ड्यूटी ही देना पड़ेगा। ये आप साफ देख लीजिए। दूसरा है लॉन्ग टर्म वैकेंसी, तो लॉन्ग टर्म वैकेंसी जो है वो है 45 डे क्रॉस हो चुका है, तो इधर पर भी डिपार्टमेंट सब्स्टिट्यूट देने से बच रहा है। इधर पर देखिए, लॉन्ग टर्म वैकेंसी क्या होता है, किसी का डेपुटेशन, डिस्चार्ज, टर्मिनेशन, ये सारे की वजह से अगर 45 डे क्रॉस हो जाता है वैकेंसी पीरियड, तो उसको लॉन्ग टर्म वैकेंसी कहा जाता है। इधर पर भी देखिए, सब्स्टिट्यूट मे बी अलाउड ओनली इफ वर्कलोड ऑफ बीओ एज वेल एज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन और रेवेन्यू नॉर्म्स जस्टिफाइज सच एंगेजमेंट ऑफ फिलिंग ऑफ द पोस्ट एज बीओ ऑन रेगुलर बेसिस। तो देखिए, इधर पर भी साफ साफ लिखा गया है कि सब्स्टिट्यूट तभी अलाउ किया जाएगा जब उस बीओ का वर्कलोड ज्यादा हो। तो दोस्तों, वर्कलोड ज्यादा हो इसका मतलब क्या है, अगर वर्कलोड कम है तो सब्स्टिट्यूट नहीं दिया जाएगा, उधर भी कॉम्बाइन ही दिया जाएगा। तो आप जानते हैं एएसपी एएसपी कैसा होता है, सालों साल पड़ रहा होता है फाइल, लेकिन वर्कलोड रिव्यू नहीं किया जाता है। बहुतों का ऐसा हुआ है कि लेवल टू के लिए जस्टिफाइड है लेकिन उनका वर्कलोड रिव्यू नहीं हुआ है, इसलिए लेवल टू में नहीं जा पा रहा है, लेवल वन ही है अभी तक, तो वर्कलोड रिव्यू ठीक से नहीं होता है। तो आप कैसे सोच लेंगे कि जिस बीओ का लेवल टू ऑरिजिनली है उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट किया जाएगा, उस उधर पर भी कॉम्बाइंड ड्यूटी ही दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, साफ साफ तो लिखा ही है कि सब्स्टिट्यूट तभी दिया जाएगा जब उस बीओ का वर्कलोड ज्यादा हो, अगर कम है तो नहीं दिया जाएगा, उधर पर भी कॉम्बाइन ही दिया जाएगा। तो अगर किसी बीओ का वर्कलोड थोड़ा बहुत ज्यादा भी है तो एएसपी एएसपी नहीं देगा उधर पर सब्स्टिट्यूट, कॉम्बाइन ड्यूटी ही देगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट देने से वो लोग बच रहे हैं दोस्तों, वर्कलोड ठीक तरीके से रिव्यू नहीं करेंगे। कंटिन्यूएशन ऑफ सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट बियॉन्ड 45 डेज एट स्ट्रेच मे ओनली अलाउड बाय द अथॉरिटी नेक्स्ट हायर टू द एंगेजिंग अथॉरिटी। तो अगर बहुत दिन 45 डे क्रॉस हो जाता है और उधर पर सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो एंगेजिंग अथॉरिटी एसपी एसपी के पास हाथ में वो सब नहीं है, उनका हायर अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा। नो सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट शैल कंटिन्यू बियॉन्ड 90 डेज। तो 90 डेज के बियॉन्ड कोई भी सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, इफ फॉर एनी अनअवेटेबल रीजन ए सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी कंटिन्यू बियॉन्ड 90 डेज स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ द हेड ऑफ रीजन और डीपीएस रीजन। तो दोस्तों, अगर 90 डेज के बियॉन्ड भी कोई सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट करना होता है तो रीजन के हेड से या फिर डीपीएस रीजन से परमिशन लेना पड़ेगा। तो दोनों ही पॉइंट में आप क्या समझे, तो शॉर्ट टर्म वैकेंसी जो है उनमें भी डिपार्टमेंट सब्स्टिट्यूट नहीं देगा, 100% नहीं देगा, उधर पर भी कॉम्बाइंड ड्यूटी दिया जाएगा, और लॉन्ग टर्म वैकेंसी जो भी है उधर पर भी डिपार्टमेंट सब्स्टिट्यूट देने से बच रहा है, उधर पर भी कॉम्बाइन दिया जाएगा। साफ साफ लिखा है कि सब्स्टिट्यूट तभी दिया जाएगा जब वर्कलोड बीओ का ज्यादा हो, लेवल टू हो। ठीक है, तो अगर किसी बीओ का वर्कलोड ज्यादा नहीं है तो और लॉन्ग टर्म वैकेंसी क्रिएट होता है तब उधर पर कॉम्बाइंड ड्यूटी ही दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब दोनों ही केस में सब्स्टिट्यूट तो नहीं देगा, कॉम्बाइंड ड्यूटी ही देगा, यानी कि जीडीएस के ऊपर कॉम्बाइंड ड्यूटी का प्रेशर फिर से बढ़ने जा रहा है, ऐसा आप अनुमान कर सकते हैं इस नोटिस जारी होने के बाद। सेकेंड नंबर पॉइंट पर देखिए, साफ साफ लिखा है कि जो सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट होगा उसका रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जीडीएस के ऊपर ही होगा जो छुट्टी ले रहा है। मान लीजिए आप छुट्टी ले रहे हैं 10 दिन का, तो आप जो सब्स्टिट्यूट अरेंज करेंगे उसका रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही आएगा, और आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूट के क्वालिफिकेशन जीडीएस के क्वालिफिकेशन के लिए ही अकॉर्डिंग हो, यानी कि 10th पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए सब्स्टिट्यूट का। ठीक है,
तो अगर कोई आपका सब्सिडियरी जो है वो कोई फ्रॉड करके भाग जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही आएगा। जितने रुपए का फ्रॉड किया है आपको ही देना पड़ेगा और आपको ही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। थर्ड नंबर पॉइंट जो है वो देखिए दोस्तों, साफ साफ लिखा है, आप पूरा पॉइंट पढ़ सकते हैं। इधर पर कहा गया है कि जीडीएस कई बार क्या करता है कि जब छुट्टी लेता है, मान लीजिए आप बीपीएम है, आप छुट्टी लेते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप छुट्टी में चले जाते हैं, 10 दिन का पेड लीव लेते हैं और घर का कोई व्यक्ति को आप सब्स्टिट्यूट देते हैं। मान लीजिए आपका पिताजी को आप सब्स्टिट्यूट के तौर पर उधर पर एंगेज करते हैं। तो ज्यादातर जीडीएस भाई बहन यही करते हैं कि जब छुट्टी लेता है घर का किसी का नाम दे देता है जिसका 10th पास सर्टिफिकेट है और काम कोई और करता है, लेकिन नाम ऑफिशियली रहता है उनका, पिताजी का, माताजी का, या फिर घर का अगर कोई और भी है तो उनका नाम रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी सब्स्टिट्यूट को दिया जाता है, लेकिन जो जिसको सब्स्टिट्यूट दिया जाता है उसको हर काम, बीओ का हर काम करना सही तरीके से नहीं आता है। मोबाइल डिवाइस हैंडल करना, पीएमए दिखाना और भी कई सारे काम बीओ में होता है, जैसा आईपीबी का काम करना, ट्रांजैक्शन करना, तो ये सब कुछ उनके द्वारा नहीं हो पाता है, इसलिए डिपार्टमेंट चिंता में है। और कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए बीपीएम छुट्टी में गया है तो एबीपीएम को बीपीएम का चार्ज दिया जाता है और एबीपीएम के जगह पर कोई आउटसाइडर को एंगेज किया जाता है। तो मान लीजिए बीपीएम छुट्टी में गया है तो एमडी को बीपीएम का काम दिया गया है और एमडी का काम कोई आउटसाइडर, बाहरी लोग कर रहा है, तो डिपार्टमेंट इसको सख्त तरीके से ना कर रहा है क्योंकि कोई आउटसाइडर के हाथ में बीओ का कोई भी डॉक्यूमेंट, बीओ का कोई भी काम नहीं जाना चाहिए, बहुत ही रिस्की हो जाता है। तो डिपार्टमेंट इधर पर देखिए साफ साफ किया है कि व्हेयर एज द डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन डू नॉट परमिट एंगेजिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ आउटसाइडर इन सच मैनर। तो डिपार्टमेंट कभी भी एक आउटसाइडर को बीओ में काम करने के लिए परमिशन नहीं दे सकता है, ठीक है, क्योंकि कोई फ्रॉड हो जाता है तो आउटसाइडर को पकड़ना पड़ेगा और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जीडीएस को ही लेना पड़ेगा दोस्तों। तो डिपार्टमेंट साफ साफ कह रहा है कि बीओ में कोई भी आउटसाइडर को घुसने नहीं देना है, डिपार्टमेंट में जो सारे जीडीएस काम करते हैं उनसे ही कॉम्बाइंड ड्यूटी देना है। और साफ साफ ये भी कहा गया है कि ऐसे सिचुएशन में जहां पर जीडीएस का पोस्ट वैकेंट हो उस पर सब्स्टिट्यूट अरेंज ना करके, आउटसाइडर को ना देकर और कॉम्बाइंड ड्यूटी ना दे करके जो डिपार्टमेंट का ही एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड है जो रिटायर हो चुका है उनको कैसे काम में लगाया जाए। तो अगर आप छुट्टी लेते हैं तो आपके जगह पर कोई सब्स्टिट्यूट या फिर आउटसाइडर या फिर कोई और जीडीएस को कॉम्बाइंड ड्यूटी ना दे करके एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड जो रिटायर हो चुके हैं उनको कैसे काम में लगाया जाए, इसके ऊपर डिपार्टमेंट सोच रहा है, इसके ऊपर सजेशन मांगा गया है सबसे। तो सजेशन आते ही इस पर विचार किया जाएगा दोस्तों, और अगर पॉजिटिव रिस्पांस आया आया सब सर्कल से, सब डिविजन से जो फीडबैक मांगा गया है, तो इसके ऊपर अगर कोई भी पॉजिटिव कमेंट आया, पॉजिटिव फीडबैक आया तो इसको अपनाया जाएगा और जितने भी सारे रिटायर एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड है उनको जीडीएस के जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वैकेंसी होता है उसमें काम कराया जाएगा दोस्तों। ऐसा अगर होते हैं तो आपका राय क्या होगा दोस्तों, क्या आप क्या मानते हैं कि रिटायर्ड एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड से जीडीएस वैकेंसी में काम करना अच्छा है या फिर बुरा है, इस पर आपका राय क्या है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। तो आपने इस नोटिस से समझ लिया है कि जीडीएस सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट अब से बंद होने जा रहा है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं, और कॉम्बाइंड ड्यूटी का प्रेशर जीडीएस के ऊपर बढ़ेगा। और अगर एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड रिटायर्ड जो है उनको अगर जीडीएस वैकेंसी में काम दिया जाता है तो कुछ हद तक अच्छा भी है क्योंकि डिपार्टमेंट में वो पहले काम कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन पुराने जो सारे लोग हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं उनको ये जो ऑनलाइन डिवाइसेस होता है इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, उनमें से ज्यादातर लोग अब फोन भी नहीं चलाना जानते हैं, तो अगर उनसे काम कराना कराया जाता है तो वो कर पाएंगे कि नहीं इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन आउटसाइडर एंगेज करने से अधिक इफेक्टिव यही है कि रिटायर्ड एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड को काम में लगाया जाए। तो दोस्तों इस पर आपका क्या राय है आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।